मजा आ गया, बहुत मजा है। Hello guys, good morning everyone. Today I am very glad to say because I am going to visit one of the beautiful place of rowing, that is Ayodhya. तो दोस्तों आज मैं अयोध्या के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ में आज बारिश हो रहा है तो वहाँ का मौसम कैसा होगा हमको मालूम नहीं, लेकिन मैं नेट में सर्च करके देखा है तो गूगल से देखा है तो वहाँ बारिश नहीं आ रहा है, वहाँ धूप दे रहा है, तो इसीलिए मैं आज यहीं से निकल रहा हूँ। तो मैं बहुत देखा हूँ यूट्यूब चैनल पे, किसी और का यूट्यूब चैनल में अयोध्या जो देखने में बहुत सुंदर है, और मेरा ख्याल से मेरे लिए नियरेस्ट डेस्टिनेशन यानी कि घूमने के लिए वो सबसे सामने है। तो आज मैं उसको अयोध्या के को घूमने जाऊंगा। दोस्तों आप देखते रहेगा मैं कैसा करके एंजॉयमेंट करता हूं, तो मैं जितना भी वह एंजॉयमेंट करेंगे आप सभी को मैं हाईलाइट करके मेरा चैनल पे दिखाऊंगा। तो तकरीबन अब 6:30 हो गए, अब हम अयोध्या की ओर निकल रहा हूँ पासीघाट से। आज कल का रात को यहाँ होल किया था, तो देखता हूँ कितना समय लगाता है पासीघाट और अयोध्या के बीच में। दोस्तों यहाँ रास्ता बहुत कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटा है, आप जब भी आएंगे उसे करके गाड़ी को चलाना, या गाड़ी को साइड देने के लिए भी जगह नहीं है, बहुत छोटा है, मगर रास्ता तो ठीक है। तो दिल्ली पहाड़ हो गया यार। दोस्तों अब अयोध्या पहुंचने ही वाला है, शायद यहाँ से अभी 2-3 किलोमीटर ही है, मगर आप सभी को मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ का रास्ता तो मैं आपको क्या बताऊँ, इतना भयानक है, मैं तो मेरा आत्मा जो आकाश में चला गया, जैसे कि मेरा अरुणाचल में एक लोकल डायलॉग बोला जाता है, इतना हमको भयानक लगा यह रास्ता को देख के। इतना कम्फेक है, अपोजिट डायरेक्शन से गाड़ियाँ आने से बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे तो सड़क तो ठीक है मगर कम्फेक ज़्यादा हो गया इसमें। तो दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यदि यहाँ आएंगे अयोध्या विजिट करने के लिए, हमेशा आप सावधान से अपना गाड़ी को चलाइएगा, हमेशा आप आगे नज़र रहना चाहिए, उधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी अब बहुत सामने हो गया, निकट में मैं पहुंच गया हूँ अयोध्या के सामने, तो मैं अभी उधर जाकर आप सभी को दिखाना चाहूँगा। दोस्तों अब अयोध्या पहुंच गया हूँ, यहाँ गाड़िया को पार्किंग किया जाता है, देखिएगा इतना लंबा सा लाइन यहाँ पार्क करके रखा है गाड़ी को, ये सब टूर करने वाला विजिटर लोग है। देखिएगा लंबा चौड़ा, आज का मौसम बहुत खराब है, बारिश तो नहीं हो रहा है मगर धीमी धीमी बारिश आ रहा है। यहाँ देखिए सब एक्साइटिंग हो रहा है बर्फ में विजिट करने के लिए, शायद ये बंदा लोग बर्फ नहीं देखने वाला भी होता होगा या पहले से विजिट करने वाला भी होते होंगे, दूर दूर से लोग आया है यहाँ।
सब बाहर से आया हुआ है। हाय और बढ़िया एक्सपीरियंस। तो भाई साहब आप लोग कहाँ से आए हो? हम लोग असम से आए। असम से मयोध्या विजिट करने के लिए। तो ये रास्ता कैसा लगा आपको? बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया है ना? खतरनाक है, नेक्स्ट लेवल। हम तो डर डर के गाड़ी चला के आए। वही है। तो आप लोग प्लेन एरिया से आके अच्छा लगा बोलना, तो बहुत अच्छा लगा हमको। तो अभी विजिट करेंगे। ओके, अच्छे से विजिट करना ना। ओके बाय, सेम टू यू। तो गर्ल्स, दिस इज अ बोर्ड, साइन बोर्ड, वेलकम मयोध्या फॉल्स एंड हियर फ्रॉम स्नो इज स्टार्ट। ये देखिएगा, ये है ब्रफ। यह ब्रफ में अलग सा कुछ महसूस कर रहा है। ये देखिएगा दोस्तों, ये है ब्रफ। यहां चलना और यहां चलना फर्क पड़ रहा है। यहां बहुत स्लिप हो रहा है। देखिए, आप गलती से भी इसका बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको नीचे लुढ़क जाएगा। बहुत ठंडी हो रहा है। ये है ब्रोफ दोस्तों, देखिएगा ये है ब्रोफ। लोग हियर, कभी जिंदगी में मैं ब्रोफ ताज करके नहीं देखा था। ताज कर रहा हूँ। ये तो चुनी का जैसा है, देखिए शुगर का जैसा है। आप शुगर बर्फ नहीं देखने वाला, शुगर को देख लीजिए, शुगर का जैसे देख रहा है। नमक है। हाँ, नमक जैसा ही है। ये देखिएगा, ये है ब्रोफ। ये देखो दोस्तों, लुक हियर, दिस इज स्नो। बढ़िया किया, मजा आया। इतना ठंडा है, दांत निकालने जा रहा है। वाह, वीडियो को लापर अपनी बेची तो लांग पाई। ये बढ़िया, ठंडे ठंडे मौसम में ऐसे में ठंडे में ठंडे करते हैं। सेल्फी खींचेगा, सेल्फी खींचे नहीं पाना है। आइए, ये देखिएगा, ये जो अभी अभी नेकेड बॉडी में फोटो खींचने वाला, अभी कपड़ा लगा दिया सारजू। तो ये लोग कोई अरुणाचल से आया हुआ है, कोई तिनसुकिया से, तो सब मिलके यहाँ साथ में फोटो सेशन कर रहे हैं। ये देखिएगा, सबके सब बहुत मस्त है, बहुत सुंदर है। तो आप उधर जाना चाहिए, बीचो बीच यहाँ पे करा करा गर्लफ्रेंड बना लिया एक को। एक को हमें शेयर करना, दोनों को नहीं लेगा आप, एक मुझे दीजिए। नहीं, दोनों
तो आप सभी बहुत दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये देखिएगा मेरा दोस्त लोग इस्किमो जैसा देख रहे हैं, सब अपना गमसा का साथ लपेट के बहुत ठंडा लग रहा है बोल रहे हैं। ये देखिएगा बहुत ठंडा लग रहा है। ये मेरा दीदी तू मोड़ने वाला है अभी ठंडा से। ये देखिएगा एक्साइटिंग हो रहा है, इतना एक्साइटेड हो रहा है ये सब। ये देखिएगा ये मेरा सबसे यंगेस्ट ड्राइवर साहब, ये देखिएगा बहुत हैंडसम है, और वो बॉडी दिखाने वाला सलमान खान। गाना गा के देखो ना, ये कश्मीर बता दीजिए। खूबसूरत ये कश्मीर। अरे यार ये कश्मीर है क्या? हाँ ये कश्मीर है, नहीं मायदिया है। मायदिया है, गलत हो गया। ये मायदिया है, ये मायदिया है। अरे बाप रे बहुत सुंदर लग रहे हो, थैंक यू। देखिए मेरा दोस्त लोग इतना एक्साइटिंग हो रहा है, खेल रहा है यहाँ में, लड़की बन गया, सब बच्चा बन गया यहाँ पे, यहाँ आके। बहुत सुंदर है, सुंदर है। बर्फ गिर रहा है, धीमी धीमी बर्फ आ रहा है, स्नो फॉल हो रहा है। यहाँ कैमरा में आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते उसको तुम्हें मालूम नहीं है। कभी जिंदगी में कभी बर्फ चू के नहीं देखा है, इसीलिए ये लोग बहुत एक्साइटिंग होके बर्फ के साथ खेल रहा है बच्चों का जैसा। वो देखिए सबसे मेरा बुजुर्ग, वो भी देखिए एक बर्फ का टुकड़ा निकाल लिया। तो दोस्तों हम जो अभी यहाँ के बहुत एक्साइटिंग हो रहा है, कभी बर्फ तो चुआ नहीं है। ये देखिए इतना स्लिप हो रहा है, ये तो बहुत मजा है। तो आप लोग भी कभी यहाँ विजिट कीजिएगा मायदिया पे, ये मायदिया देगा तो बहुत मजा है, पूरा बर्फ ही बर्फ है। तो आज काश बारिश ज्यादा होने से और भी यहाँ बर्फ दिखाई देना था, मगर एक्साइटिंग तो है, बर्फ बहुत है यहाँ पे। तो इसीलिए दोस्तों आप भी जरूर विजिट कीजिएगा मायदिया में। दोस्तों अब जब भी जाएंगे इसका नीचे नहीं जाना, ये नीचे काई है, या स्लिप हो के आप नीचे गिर जाएगा तो आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम होगा। तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकते है, इसीलिए नीचे नहीं जाना चाहिए, यही तक सीमित करना चाहिए आपको।
अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये मायूतिया है, ये मायूतिया है, कितनी खूबसूरत ये मायूतिया है, अरे मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये मायूतिया है, ये मायूतिया ये है ओरिजिनल ब्लॉग दोस्तों। मजा भी दोस्तों बहुत हो गया, मगर आपको मैं दिल से कहना चाहूंगा ये जगह जो बहुत अच्छा है, अच्छा मीन्स ये आप बोल सकते हैं, ये एक सड़क है, ये सड़क में इतना बर्फ जमा हुआ है, तो इसमें कभी जिंदगी में बर्फ नहीं देखने वाला, इसलिए ये जगह जो बहुत मजा होगा, मगर यहाँ कोई सीनरी नहीं है, वेदर भी बहुत खराब है, सीनरी ये मेरा आंटी, ये देखिए मेरा ये है आंटी, ये है माय मेरा आंटी, देखिए कितनी खूबसूरत ये मायूतिया है, ये मायूतिया है, ये मायूतिया है, कितनी खूबसूरत वे नजीर है, ये कश्मीर, ये मायूतिया है, ये मायूतिया है, अति सुंदर, बहुत सुंदर, और बर्फ में खेलने में बहुत मजा आया, आयुष यही है मजा बर्फ में खेलने का, बाकी तो कोई एक्साइटिंग करने की जगह नहीं है, खुश ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना, ओ चांदनी सुनो तो जाने जाना, ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना, ओ चांदनी सुनो तो जाने जाना, ये मायूतिया है, ये मायूतिया है, कितनी खूबसूरत ये मायूतिया है दोस्तों, यही है बर्फ में आके एंजॉयमेंट करना, तो इससे ज्यादा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ, मैं तो सूखा जगह से आया हूँ, मैं बर्फी इलाका से नहीं आया हूँ, तो मैं आज पहली बार जिंदगी में मैं बर्फ को छुआ हूँ, इसीलिए मैं दिल से आपको बता रहा हूँ मैं बहुत एक्साइटिंग हूँ, इसको छोड़ के मैं जाने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यही रह जाऊं, इतना मजा है ये जगह, बहुत ठंडा है, पेस में मत लगाओ, बहुत ठंडा है, हाँ ये देखो मेरा हाथ जो पिचिंग जैसा हो गया, ओ चश्मा भी निकल गया, ये मेरा गोप्रो, तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, तो कैसा लगा, अति सुंदर, ताला पोतुम पोस, ताला पोतुम सार का पोस भी मैं देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बहुत मजा है, बहुत बढ़िया है, ओश ओश, हाँ ये अंति भी आ गया, भाई साहब आप लोग भी आइएगा, हाँ चलिए, और बैठिए यहाँ,
आइए बेटिए, ये चीनी है ना, क्या है नमक है क्या? जी नमक है, नमक नमक है। ये तो चीनी जैसे लग रहा है हमको, नमक है क्या? नमक लग रहा है, नमक नमक लग रहा है ना, नमक जैसा लग रहा है, मजा है ना? तो मजा है, मजा है। आप लोग कहाँ से आया हो? हम लोग चौकम। चौकम कहाँ में? असम नहीं, अरुणाचल। अरुणाचल? अरे मैंने कभी सुना नहीं। रियली दोस्तों, मेरा हाथ इतना ये हो गया, इसमें हाथ कोड़ाका जैसा हो गया, देखिएगा इतना ठंडा हो गया। तो थैंक यू आज के लिए, आप हमें फोटो वीडियो ले दिया ग्रैपर कर देने के लिए, आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आएगा ना? मजा आएगा। ये देखो यहाँ पूर्ति कर रहे, नया साल यहाँ मना रहे हम लोग। ये देखिए, ये भाई लोग देखो पीछे में बैग के अंदर में बैग को लेके आया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हो सोलाजू ये देखिएगा, यहाँ भी एक्साइटिंग हो रहा है सभी को। यहाँ फोटो खींच रहे भैया के साथ, तोरा साहब ने भी देखा। हाँ ये क्या गाना है? हा? ये असमीज गाना है, है। मैं तो असमीज देश में आता नहीं हूँ, मैं अपना आदि को नहीं ले कर लेता। अरे कोई बात नहीं, यहाँ एंजॉयमेंट करने ऐसे ऐसे करते, यहाँ ऐसे ऐसे ना, ऐसे ना, यहाँ एंजॉयमेंट करने के लिए आया है। हाँ नाचो, चलो इटू 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 मोबाइल बांस रहा है, इटू ला ये लो, थोड़ा हाथ में लो, ले जाना है। ये भैया का हाथ में मोबाइल पास रहा था, और ये भैया जो यहाँ डांस करके चल रहा था, तो इसके पास मैं ज्वाइन कर लिया। ये असम इसका डांस है बोल रहा है, मैं आता नहीं हूँ मगर कोशिश कर लेता हूँ। अभी भैया बोले चेंज करेंगे, अभी यहाँ पीछे में मेरा आदि भाई लोग को मैं मिला था, तो यहाँ पे हम लोग और डांसिंग किया, फिर यहाँ आया तो मैं असमीज भैया को मिला, फिर यहाँ फिर असमीज गाना का डांसिंग करा। चलिए मैं तो भैया आता नहीं हूँ, घर लोई रोदी मना मती सदा जब पार दोस्तों,
आप सभी को मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि मैं जिंदगी में कभी प्रभु को हाथ से पकड़ के नहीं देखा था, मगर आज यहाँ आके प्रभु को पकड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटिंग था, बहुत एंजॉयमेंट किया। तो आप सभी को मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आप मेरा चैनल को, इस ब्लॉग को, इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, जरूर लाइक कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।